हेलो एवरीवन, वेलकम बाय। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक इंटरेस्टेड टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, जो कि टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिसिटी पर है। लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी पर हम जनरली पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर न्यूक्लियोफिलिसिटी का हो चुका है, उस न्यूक्लियोफिलिसिटी में हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर ये एक फैक्ट लाया जाएगा जिसको बोलेंगे साल्वेंट। साल्वेंट एक ऐसा फैक्ट होता है जो कि न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाने का भी काम करता है और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या करता है, घटाने का भी काम करता है। हम उसी फैक्ट का इस्तेमाल करेंगे कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाने का काम करता है और घटाने का काम करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है, न्यूक्लियोफिलिसिटी अफेक्ट बाय साल्वेंट। न्यूक्लियोफिलिसिटी को अफेक्ट बाय साल्वेंट की प्रश्न किया जा रहा है कि आखिर साल्वेंट पर न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या इफेक्ट होता है। जैसे जनरली हम लोगों ने यही पढ़ा होता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी उसको बोलते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल एक प्रकार का बेस होता है। तो अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी को हम देखें तो कोई भी अगर आपका नेगेटिव चार्ज होता है, कोई भी, जैसे मान लो ये हमारा ए है, ये कोई नेगेटिव चार्ज स्पेसिज है और ये किस पर अटैक कर रहा है, किसी पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर। अब इसके अटैक करने की स्पीड को ही क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं। और शायद ये हम समझ सकते हैं कि स्पीड को कहते हैं, इसको बोलते हैं स्पीड को अटैक करने को न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं। तो बताओ जिसकी स्पीड ज्यादा होगी अटैक करने की, वह क्या होगा, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, उसको हम स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफिलिसिटी कंसीडर करेंगे। और जिसकी कम होगी क्या होगी, वीक न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी। जैसे एक जनरल वर्ड में समझ लीजिएगा कि एक ऐसा फैक्ट हम लोग देखें कि अगर दो प्रकार से हम आपके सामने प्रश्न कर रहे हैं कि अगर चलिए मान लीजिएगा कि एक ऐसा बंदा है जो कि साइज में छोटा है, एक ऐसा बंदा है जो कि साइज में क्या है, बड़ा है। एक जनरल वर्ड हमारे इस्तेमाल करिएगा, साइज में छोटा है और एक साइज में क्या है, बड़ा है। तो बताओ अगर इस माइंड इसको क्या करना है, दौड़ना है तो बताओ कौन इसके पास जल्दी पहुंचेगा, तो बताओ जब दौड़ना है कौन इसके पास जल्दी पहुंचेगा, मतलब कार्बन पास टू पास कौन जल्दी पहुंचेगा, जो छोटा होगा, क्योंकि जो बड़ा दिख रहा ना वो तो बहुत मोटा है, ये बड़ा मतलब मोटा समझ लो। जब ये मोटा है और ये क्या होगा बताओ, स्पीड में कौन फास्ट होगा, ये तो फास्ट जाएगा और ये क्या होगा, स्लो होगा। ये आपका एक फैक्ट हो गया कि मतलब जो छोटा होगा वो फास्ट दौड़ेगा और जो मोटा होगा वो स्लो दौड़ेगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगी वो ज्यादा होगी, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, कम होगी। अब कहेंगे सर ये क्या फैक्ट है, एक फैक्ट ये हो सकता है न्यूक्लियोफिलिसिटी को घटाने और बढ़ाने का, मतलब इस एनायन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, इसकी क्या होगी, कम होगी। दूसरा फैक्ट मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं कि चलिए मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, आयंस है जो कि पॉजिटिव और निगेटिव है, दोनों निगेटिव है। ये आपका निगेटिव है, ये भी क्या है, निगेटिव, देखो दोनों आंस है। अब इस कार्बन पे इसको अटैक करना है, मैं कह रहा हूं ये अटैक करने जा रहा है, लेकिन इसको पीछे से कोई पॉजिटिव चार्ज, क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। अब जरा बताओ, लेकिन इसको कोई पॉजिटिव चार्ज इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब इसको इंटरेक्शन कर रहा है, लेकिन इसको कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। तो जरा बताएं इसको पाछे से कोई इंटरेक्ट कर रहा है और इसको कोई अट्रैक्ट नहीं कर रहा, या हम कह सकते हैं एक कंडीशन ये कह सकते हैं कि इसको एक निगेटिव चार्ज को दो पॉजिटिव चार्ज पीछे से क्या कर रहे हैं, बैक साइड से क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। और ये जो आपको बड़ा वाला निगेटिव चार्ज है उसको केवल एक पॉजिटिव चार्ज इंटरेक्ट कर रहे हैं, बताओ अब किसकी स्पीड ज्यादा होगी। फिर भी अगर देखें इस केस में क्या होगी, ये देखो इसका इस्तेमाल करो या इसका इस्तेमाल करो, अब स्पीड किसकी ज्यादा होगी, मतलब आप जा रहे हैं पीछे कोई आपको खींच रहा है, तो बताओ किसकी स्पीड स्लो होगी, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, स्लो स्पीड का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फास्ट स्पीड हो जाएगा। बताओ न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा किसकी कम होगी, तो इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी फास्ट, इसकी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। कुछ ऐसा ही कौन करता है, कुछ ऐसा इफेक्ट कौन इफेक्ट डालता है, साल्वेंट, कुछ ऐसा इफेक्ट साल्वेंट का होता है जिसके कारण स्पीड जो होती है कार्बन पर अटैक करने की वह घट जाती है। आखिर वह कौन सा फैक्ट है, उसी फैक्ट को हम देखेंगे। इन दोनों फैक्ट को दिमाग पर रखिएगा, बड़े वाला छोटा वाला नॉर्मल केस में, और क्या है
आपका छोटा बड़ा जो भी होगा, लेकिन उसको चार्ज इफेक्ट डालेगा। चलो देखते हैं पहला फैक्ट क्या होता है। पहला फैक्ट मैंने लिखा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब एक ऐसा सॉल्वेंट। और जनरली मैं एक चीज के लिए लाया हूं, ये कॉन्सेप्ट मैं किसके लिए लाया हूं, मेटेलिक हैलाइड के लिए। और इसमें जो मेटेलिक हैलाइड होगा, इस मेटेलिक हैलाइड में मेटल पर क्या होगा प्लस होगा, एक्स पर क्या होगा माइनस होगा। तो नेगेटिव स्पीसीज कौन है, मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स यक्स ही शो करेगी। और जनरली वर्ड में पता है यक्स में कौन कौन आते हैं, यक्स में हमने पढ़ा होगा फ्लोराइड भी आते हैं, क्लोराइड भी आते हैं, ब्रोमाइड भी आते हैं और आयोडाइड आते हैं। अब हमको ये चेक करना है कि आखिर इसमें से कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी को शो करेगा और वो किसमें, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। किसमें, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब होता है एक ऐसा सॉल्वेंट जिसमें पोलैरिटी में हाइड्रोजन। बताओ जैसे H2O है, बताओ H2O के इसमें अगर हम देखें क्या ये पोलैरिटी में हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर निगेटिव होता है, इस पर क्या होता है पास टू। बोलो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से। सिमिलरली अगर हम इथेनॉल में भी देखें, बताओ इथेनॉल जब लिखते हैं हम लोग ऐसे लिखते होंगे, तो बताओ यहाँ पर CH2 होता है, फिर क्या होता है O और H होता है। तो बताओ इस केस में भी देखें ये क्या होता है निगेटिव, क्या होता है पास टू, पोलैरिटी में है कि नहीं। ऐसे एसिटिक एसिड इस वाले कंपाउंड सॉल्वेंट को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। आखिर इनका क्या इफेक्ट होता है इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाने और घटाने में, चलिए देखिएगा। हमने क्या काम किया, इन हैलाइड को किस में रखा, पोलर प्रोटीन वाटर में रखा। जब हम वाटर में रखेंगे तो हमें पता है कि वाटर के पास अपोजिट चार्ज होता है पॉजिटिव और निगेटिव। तो जरा बताएं इसमें से कौन सा हैलाइड ऐसा है जो वाटर से इंट्रैक्शन ज्यादा करेगा। वाटर से इंट्रैक्शन वह ज्यादा करेगा जिसके पास चार्ज ज्यादा होगा। चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमें शायद पता है फ्लोराइड जो होता है साइज में छोटा होता है और उसमें चार्ज क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन आयोडाइड में चार्ज क्या होता है, कम होता है, क्योंकि साइज में क्या होता है, बड़ा होता है। तो चार्ज किसके पास ज्यादा है, फ्लोराइड के पास चार्ज क्या होता है, निगेटिव चार्ज ज्यादा होता है। आयोडाइड पर निगेटिव चार्ज क्या होता है, कम होता है। अब चार्ज ज्यादा होने की वजह से जो फ्लोराइड होगा, इसमें जो फ्लोराइड होगा इस सॉल्वेंट में, क्योंकि सॉल्वेंट में क्या होगा, ये जो फ्लोराइड आयन होगा इस सॉल्वेंट के अपोजिट चार्ज द्वारा क्या हो जाएगा, घिर जाएगा, सराउंड कर लिया जाएगा बाय द आयनिक इंटरेक्शन। आयनिक इंटरेक्शन की वजह से बताओ इस फ्लोराइड में कौन घिरेगा, वाटर का कौन घिरेगा, हाइड्रोजन। कौन घिरेगा बताओ, हाइड्रोजन। बताओ हाइड्रोजन कौन चार्ज होता है, बताओ पॉजिटिव। तो बताओ ढेर सारे ऐसे हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, सराउंड कर देंगे। अब ढेर सारे जब हाइड्रोजन को सराउंड करेंगे किस चार्ज द्वारा, पॉजिटिव निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव इंटरेक्शन चालू हो जाएगा। और पॉजिटिव निगेटिव इंटरेक्शन के होने की वजह से, इस पॉजिटिव निगेटिव इंटरेक्शन की होने की वजह से हम ये देखेंगे कि आखिर इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या, इस पर निगेटिव होगा, इस पर निगेटिव होगा, इस पर निगेटिव होगा। अब ढेर सारे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आयनिक चार्ज का होता है, ऐसे ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल ऐसे H+ आते रहेंगे, क्या रहेंगे H+ ऐसे आते रहेंगे। तो ऐसे H+ हमारे क्या होंगे, आते रहेंगे। और ढेर सारे H2O मॉलिक्यूल्स इसको क्या कर देंगे, सराउंड कर देंगे। और सराउंड करने की वजह से, बताओ सराउंड करने की वजह से कहीं और कोई ऐसा स्पेस मिल रहा है, कहीं इसको बोलते हैं सॉल्वेशन, दैट इज हाइड्रेशन। इसका पूरा हाइड्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है हाइड्रेशन, किसका, फ्लोराइड का। लेकिन अगर यही केस हम किसमें देखें, आयोडाइड में देखें, तो आयोडाइड का चार्ज क्या होता है, कम होता है। और चार्ज कम होने की वजह से जो इंट्रैक्शन होगा वो थोड़ा कम होगा, मतलब ये आयोडाइड में क्या होगा, इंट्रैक्शन क्या होगा, थोड़ा कम होगा। इंट्रैक्शन कम होने की वजह से, एक छोटा होता है इंट्रैक्शन कम, ये थोड़ा बड़ा होता है, इंट्रैक्शन कम होने की वजह से इसमें कम हाइड्रोजन जुड़ेंगे, कितने होंगे, कम ही हाइड्रोजन होंगे, पॉजिटिव और ये सब पॉजिटिव। अब बताओ इसमें हाइड्रेशन होगा, लेकिन इसके सापेक्ष में क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, इसलिए कम होगा क्योंकि आयोडाइड का जो चार्ज होता है वह फ्लोराइड से क्या होता है, कम होता है। इससे बताओ फ्लोराइड से क्या होता है, कम होता है। अब कम होने की वजह से देखो क्या होगा, इसमें इंटरेक्शन कम होगा, इनमें इंटरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव कम होगा। और पॉजिटिव नेगेटिव जब इंटरेक्शन कम होगा तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस इंटरेक्शन कम होने की वजह से इसमें कुछ सरफेस एरिया खाली होगी, कुछ सरफेस एरिया खाली होगी। नहीं बताओ, जब कुछ सरफेस एरिया खाली होगी तो बताओ यहां पर मैं क्या रखा हूं, कार्बन प्लस रखा हूं। तो बताओ इसमें से कौन, ये पूरा क्या है, ज्यादा सॉल्वेटेड बड़ा आयन है, अब साइज में बड़ा हो गया, लेकिन ये कम सॉल्वेटेड साइज में छोटा है, बताओ। अब बताओ ये साइज में छोटा है, एक फैक्ट्री हो गया, साइज में क्या है, छोटा है, क्या है, साइज में बड़ा है,
अभी मैंने आपको बताया था कि अभी हमारा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था बताओ, अभी हमारा कॉन्सेप्ट ये कह रहा था जिसको पीछे से कोई ज्यादा खींच रहा है, बताओ किसमें कौन ज्यादा खींच रहा है, मतलब ये मान लो कौन है, फ्लोराइड आयन है, कौन है बताओ, फ्लोराइड आयन है, ये कौन है बताओ, ये कौन है बताओ, आयोडाइड आयन है, बताओ कौन फास्ट अटैक करेगा, कौन फास्ट अटैक करेगा, मतलब ये वाला स्लो अटैक करेगा बोलो, और ये वाला क्या कर रहा है, फास्ट अटैक कर रहा है, तो बताओ इस ये कौन सी केस है बताओ, इस केस को कौन बोलते बताओ, पोलर एप्रोटिक, बताओ पोलर एप्रोटिक केस में कौन ज्यादा इंगेज हो रहा है, फ्लोराइड, फ्लोराइड ज्यादा इंगेज हो रहा है बताओ, स्पीड किसकी स्लो होगी बताओ, फ्लोराइड कम हो जाएगी लेकिन आयोडाइड के हिसाब से क्या होगा, ज्यादा होगी, इसका मतलब जिसके पास जितना ज्यादा चार्ज होगा, और जनरली हमने पढ़ा है चार्ज को अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा चार्ज फ्लोराइड का होता है, फिर क्लोराइड का, फिर क्या होता है ब्रोमाइड, फिर क्या होता है आयोडाइड, तो जिसके पास चार्ज जितना कम होगा उसमें सॉल्वेंट अपोजिट चार्ज के सॉल्वेंट के बीच इंटरेक्शन क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे सरफेस एरिया कुछ क्या होगी, खाली होगी, सरफेस एरिया कुछ खाली होगी, और जिससे वो आसानी से आयोडाइड निकल के किस पर चला जाए, कार्बन पर, लेकिन यहाँ पर पूरी कैविटी भरी हुई है, यहाँ पर निकलना आसान नहीं है, बताओ कौन आसानी से टेक करेगा, ये आसानी से टेक करेगा, ऐसे एज्यूम कर लो कि क्या हो रहा है, कहीं मंच पर क्या है, प्रोग्राम है, और प्राइम मिनिस्टर जी का प्रोग्राम है, और किसी एक सिंपल पर्सन का प्रोग्राम है, तो बताओ ट्रैफिक को सामना किसको करना पड़ेगा, ट्रैफिक का सामना उसको करना पड़ेगा जिसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा हो, तो बताओ पीएम जी को देख लो भीड़ जमा लेंगे, तो बताओ मंच पर, चलो मान लो मंच पर जाना आसान किसके लिए नहीं होगा, मंच पर ज्यादा आसान किसके लिए नहीं होगा, क्योंकि पीएम जी की पूरी भीड़ घेर लेगी, अब जब भीड़ लगी तो आसानी से मंच पर जाएंगे नहीं, इसके लिए एक विशेष सुविधा की जरूरत है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति क्या कर सकता है, आसानी से क्या होता है जा सकता है, क्योंकि उसके लिए कोई ट्रैफिक नहीं होती, उसको जाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको कोई पब्लिक विशेष नहीं घेरती, तो ये प्रश्न तो इसके साथ हो गया सॉल्वेंट के लिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, तो बताओ इस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होगी, जिसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी, और जिसमें सॉल्वेशन क्या होगा, कम होगा, इसका मतलब आंसर में कौन आएगा, आयोडाइड का क्या होगा सबसे ज्यादा, फिर किसका होगा ब्रोमाइड का, फिर किसका होगा क्लोराइड का, फिर किसका होगा क्लोराइड का, ठीक है, तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया बताओ, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, कैसा ऑर्डर बताओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, अगर यही हमसे क्या पूछ दे कि पोलर ए प्रोटीन सॉल्वेंट पोलर हो लेकिन कैसा हो, एप्रोटिक हो, एप्रोटिक का मतलब होता है अगर पोलैरिटी में हाइड्रोजन ना हो, पोलैरिटी में हाइड्रोजन ना हो, जैसे यहां पर मैं लिखा है डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल एस्टामाइड, ठीक है, तो जैसे जो डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड होता है वो डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड क्या होता है, CH3S डबल बॉन्ड OCH3, और सिमिलरली डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड आपका ये होता है, ये आपका होता है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है, ये आपका डाइमिथाइल फॉर्मामाइड होता है, सिमिलरली डाइमिथाइल एस्टामाइड क्या होता है, एस्टामाइड आपका इस प्रकार से हो जाता है, एस्टामाइड आपका इस प्रकार से हो जाएगा, ये सब क्या होते हैं, अगर हम इसमें देखें कि जो पोलैरिटी बनेगी वो कार्बन में प्लस और ऑक्सीजन में माइनस, यहाँ पे सल्फर पर प्लस ऑक्सीजन क्या होगा माइनस, क्या पोलैरिटी में हाइड्रोजन है, नहीं है हाइड्रोजन नहीं है, तो पोलैरिटी जब हाइड्रोजन नहीं है तो हमने किसी मेटेलिक हाइड्रोक्साइड को हम लेकर आए, ये मेटेलिक हैलाइड को लेकर आए, तो मेटेलिक हैलाइड में एक होता है पॉजिटिव, क्या होता है निगेटिव, एक पॉजिटिव तो दूसरा क्या होता है निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होते हैं, लेकिन अगर हम प्रोटिक में देखे होते हैं तो प्रोटिक में क्या होता है, तो प्रोटिक केस में, किस केस में बताओ, प्रोटिक केस में, प्रोटिक केस में जिस प्रकार एक्स माइनस को घेरा किसने एस प्लस, वैसे एम प्लस को कौन घेरेगा, एम प्लस को ऑक्सीजन घेर लेगा पॉजिटिव चार्ज वाला, क्योंकि ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज होता है, और जब इसको घेर लेगा तो आप खुद समझ सकते हैं क्या इंटरेक्शन, बताओ आयनिक इंटरेक्शन है कि नहीं, बताओ यहाँ पर भी आयनिक इंटरेक्शन किसके बीच होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, यहाँ पर भी इंटरेक्शन पाया जाएगा निगेटिव होता है, तो बताओ क्या इंटरेक्शन दोनों आयन में है कि नहीं, बताओ इंटरेक्शन एनायन में भी है और केटायन में भी है सॉल्वेंट का पॉजिटिव चार्ज का, तो बताओ दोनों इंटरेक्टेड है कि नहीं बताओ, लेकिन हमारा प्रश्न किसके लिए था, हम किसके लिए बात कर रहे थे, न्यूक्लियोफिलिसिटी, तब नेगेटिव चार्ज स्पेसिफिक के लिए बात कर रहे थे, लेकिन जरा देखें इस केस में अगर देखा जाए, इन सॉल्वेंट को अगर देखा जाए तो ये क्या है, पोलर एप्रोटिक है, और उसमें अगर हम इस प्रकार के मिक्सर का इस्तेमाल करें, और हमें हमेशा टारगेट किसको लेकर चलना है, हैलाइड को लेकर चलना है, तो हमें प्रश्न पता भी है कि हैलाइड भी कौन होते, बताओ हैलाइड भी कौन होते, क्लोराइड, क्लोराइड
ब्रोमाइड और आयोडाइड। अब बताओ इसमें क्या होगा, इस केस में अगर हम लोग चले तो देखते हैं क्या होता है। जैसे हमने क्या किया, जब इसको हम मिस करेंगे तो क्या मैंने का बताओ, इस केस को अगर हम देखें तो प्लस ये क्या है माइनस, तो होता क्या है कि जो आपका ये दिख रहा है सल्फर, ये CH3, ये ऐसा ये निगेटिव होता है, बताओ ये क्या होगा प्लस होगा, तो यहां पर ये सल्फर इसको सराउंड करेगा, ध्यान दें यहां पे क्या करेगा, ये आपका जो ये दिख रहा है यहां पे बताओ कौन किसको सराउंड करेगा, ये निगेटिव चार्ज है, बोलो है कि नहीं, ये निगेटिव चार्ज है, तो ये निगेटिव चार्ज किसका, सल्फर ऑक्साइड ऑक्सीजन आयन का क्या करेगा बताओ, इस केटायन को जिसको मेटल कह सकते हैं इंट्रैक्शन आयनिक इंट्रैक्शन मारेगा। लेकिन प्रश्न ये बना, ये तो मेटल के लिए बात हो गई, लेकिन अगर हम प्रश्न करें कि ये निगेटिव चार्ज हैलाइड के लिए क्या करता है, अब हैलाइड केस में अगर हम प्रश्न करें तो हैलाइड केस में जो सल्फर ऑक्साइड होता है, ये जो सल्फर ऑक्साइड आपको ये निगेटिव दिख रहा है ये क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसमें बल्की ग्रुप होते, ये CH3 क्या होते बल्की ग्रुप होते हैं, और इस बल्की ग्रुप होने की वजह से इसमें जो आपके हैलाइड्स होते हैं क्या होते हैं हैलाइड यहाँ पर आ नहीं पाते, क्योंकि बल्की होने की वजह से क्या होता है कैविटी हो जाती है, कैविटी में कोई जाना पसंद नहीं करता, जिसके कारण ये जो हमारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है उसमें हैलाइड के बीच इंटरेक्शन क्या है बहुत ही कम है, इंटरेक्शन बहुत ही कम है कंपेयर टू प्रोटीन, तो जब बहुत ही कम है तो अब इसका मतलब इसको कोई खींच नहीं रहा है, अब जब इसको कोई खींच नहीं रहा है इसका मतलब ये सामान्य अवस्था में फ्री है, बताओ फ्री है कि नहीं बताओ, ये फ्री है, और जब फ्री है अब हम चेक करते हैं कौन अटैक जल्दी करेगा, तो फ्री है तो बताओ इसमें क्या ये छोटा आयनान है और ये क्या साइड में बड़ा है, बोलो बड़ा है कि नहीं, अब ये छोटा वाला छोटा ही रह गया बड़ा वाला क्या रहा बड़ा, अब इसको पीछे से कोई खींच रहा है नहीं खींच रहा ना, बताओ ये बड़ा वाले को मोटा मान लो, मोटा मान लो और छोटा वाले छोटा है ही, तो बताओ कार्बन पर जल्दी कौन अटैक करेगा, मोटा वाला दौड़ जाएगा जल्दी कि छोटा वाला, तो कौन दौड़ेगा जल्दी, तो फ्लोराइड फास्ट अटैक करेगा, ये क्या करेगा स्लो, ये स्लो करेगा क्योंकि ये मोटा है, और ये क्या करेगा फास्ट करेगा क्योंकि ये क्या है छोटा, तो ये बताओ इसका दूसरा रीजन ये होता है, मैं तो ये कॉमनली आपको कॉन्सेप्ट दिया, इसका मेन रीजन ये होता है कि जो ये फ्लोराइड होता है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखता है, और हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है अगर चार्ज बढ़ता है, चार्ज अगर बढ़ता है तो स्टेबिलिटी क्या होती बताओ, स्टेबिलिटी घटती है, स्टेबिलिटी क्या होती है घटती है, तो बताओ इस केस में अगर इस केस में देखा जाए तो बताओ चार्ज सबसे ज्यादा किस में है, सबसे ज्यादा चार्ज का अगर ऑर्डर देखा जाए तो चार्ज सबसे कम होगा आयोडाइड पर, फिर किस पर होगा बताओ ब्रोमाइड पर, और क्लोराइड पर फिर ज्यादा होगा, फिर किस पर होगा फ्लोराइड पर, बताओ ये तो चार्ज की बात हो गई, बोलो स्टेबिलिटी किसकी होगी, तो स्टेबिलिटी में अगर देखा जाए तो जिसकी चार्ज कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, आयोडाइड ज्यादा स्टेबल होगा, फिर कौन होगा ब्रोमाइड, फिर कौन होगा क्लोराइड, फिर कौन होगा फ्लोराइड, तो बताओ आयोडाइड स्टेबल है, और भी पता है जब स्टेबल है जो स्टेबल होता है वह रिएक्टिव कम होता है, रिएक्टिव क्या होता है कम होता है, तो आयोडाइड मोर स्टेबल है और लेकिन फ्लोराइड क्या लेस स्टेबल है, तो बताओ रिएक्टिविटी दैट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ट्रेंड होगा वह पोलर ए प्रोटीन में बदल जाएगा क्या हो जाएगा बताओ, न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर होगा वह ऑर्डर बदल जाएगा, किसका ज्यादा निकल जाएगा आयोडाइड से ज्यादा किसका हो जाएगा ब्रोमाइड का, ब्रोमाइड ज्यादा किसका होगा क्लोराइड का, और क्लोराइड किसका होगा फ्लोराइड का, ये तो कई बार ये बहुत गजब का क्वेश्चन है, ये तो जेई में भी आ चुका है, ये तो नीट में भी आ चुका है, ये तो गजब का क्वेश्चन है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रेंड ऑफ हैलाइड न्यूक्लियोफिलिसिटी इन ए प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, गजब का एक क्वेश्चन है, इसे नोट कर ले, ये तो गजब का क्वेश्चन कमाल कर रहा है, आजकल कंपटीशन के एग्जाम में ये तो कमाल कर रहा है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कमाल कर रहा है, और कुछ पॉइंट आप और दिमाग में नोट कर ले, आपके लिए मैं थोड़ा सा एक रामबाण और दे देता हूं, वह रामबाण क्या है आप ये भी जानते रहे, नोट करके जानते रहे, नॉन पोलर मीडियम, इसमें नॉन पोलर में और बिग एप्रोटिक पोलर,
अब यहां पर बिग ए प्रोटीन मोलर में सतेज में लिख दे रहा हूं नाइट्रोबेंजीन, कौन नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और एसीटोन। ये गजब का बात है, कंफ्यूज कर दे रहा है आजकल, आजकल तो कंफ्यूज कर दे रहा है। नॉन पोलर में कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ये नॉन पोलर है और ये बिग ए प्रोटिक है। इसमें जो हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है, हैलाइड की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है सिमिलरली होती है, सिमिलर होती है प्रोटिक पोलर के, सिमिलर होती है प्रोटीन पोलर की। दैट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ट्रेंड होता है इसमें भी किसका ज्यादा होता है, फ्लोराइड ज्यादा किसका होता है, क्लोराइड का, क्लोराइड ज्यादा किसका होता है, ब्रोमाइड का, ब्रोमाइड ज्यादा किसका होता है, आयोडाइड का। ये तो गजब की बात है, इस बात को भी क्लियर करें। और कभी कभी क्वेश्चन आजकल बस ऐसे पूछता है ट्रेंड ऑफ इनक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है, ऑफ हैलाइड आयन। अगर कोई सॉल्वेंट नहीं दिया जा रहा है, अगर कोई सॉल्वेंट नहीं दिया जा रहा है तब भी यही ट्रेंड होगा। अगर सॉल्वेंट क्या दिया जा रहा है, नॉन पोलर बिग ए प्रोटिक पोलर, बिग ए प्रोटिक पोलर, या फिर क्या दे रहा है, पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक दिया जा रहा है, तब भी क्या होता है, यही ट्रेंड होता है, तब भी यही ट्रेंड होता है। केवल इस ट्रेंड का उल्टा किसके लिए होता है, किसके लिए होता है बताओ, ए प्रोटीन पोलर के लिए उल्टा हो जाता है। ये तो गजब का क्वेश्चन सीरीज थी, ये तो एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। आज की कंपटीशन एग्जाम में तो धमाल बचा के रखा है। तो आपको उम्मीद मैं करता हूं आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।